लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है. जी आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे. मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई. ओके नमस्कार. मित्रों ये तस्वीर आपने देखी किस तरह से इसरो के अंदर सारे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तिरंगे को लहराने लगे और उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि भारत ने वो इतिहास रच दिया है जो आज तक दुनिया में कभी कोई रच नहीं पाया. मित्रों चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर लैंड करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिनके पास करोड़ों रुपये अरबों रुपये का खजाना था उन्होंने भी ये कोशिश नहीं कर पाए, कल्पना भी नहीं कर पाए कि यहां पर हम लैंड भी कर सकते हैं. उन्होंने कभी इसकी हिम्मत भी नहीं की. लेकिन देखिए भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ हिम्मत की, भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ जो है इसका संकल्प लिया बल्कि उन्होंने ये काम करके दिखा भी दिया. यानी आज जो दुनिया में अगर इसरो एकमात्र ऐसी एजेंसी है, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कि पहली बार चंद्रमा के जो साउथ पोल है यानी जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर अपनी लैंडिंग की है. और इसके पहले जितने भी देश थे उन्होंने अपनी लैंडिंग जो है वो भूमध्य रेखा पर की थी, जो चंद्रमा की भूमध्य रेखा है वहां पर लैंडिंग की थी. लेकिन भारत ने सफलता अपने नाम कर ली है. बहुत बड़ा मित्रों ये एक तरह से दुनिया को एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन का गिफ्ट है समझ लीजिए आप भारत की तरफ से. और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई दिए. बीजिंग में जहां पर की जो है ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था वहां पर वो लाइव जुड़े हुए थे इसरो के माध्यम से, वो जो लैंडिंग हो रही थी लाइव उसको देख रहे थे. और उस दौरान जब लैंडिंग सफल हो गई थी उसके बाद उन्होंने फिर एक भाषण दिया छोटा सा और वो जो भाषण था उस भाषण में ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था. वो क्या भाषण था जरा देखिए एक बार. मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है. हर घर में उत्सव शुरू हो गया है. हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ
अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो मित्रों, पूरी दुनिया से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी शुभकामनाएं मिल रही हैं, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी शुभकामनाएं मिल रही हैं और बड़े बड़े जो दुनिया के नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसरो को शुभकामनाएं दे रहे हैं, भारत को शुभकामनाएं दे रहे हैं, भारत के सफल नेतृत्व को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसरो यहां पर रुकने नहीं जा रहा है, बल्कि इसरो जो है अब गगनयान लॉन्च करने जा रहा है जो कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ये क्या मिशन है और उन्होंने पूरा जो मिशन उसके बारे में किस तरह से पब्लिक को समझाया है, इसको जानना मित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो उपलब्धि है ये इस उपलब्धि से भी कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धि होने वाली है और ये भारत के लिए देखा जाए तो एक तरह से भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने वाली उपलब्धि है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, जरा सुनिए एक बार। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा।